क्या आप इंटरनेट पे कंपल्सिव ऑनलाइन शॉपिंग के शिकार हैं, या फिर आपके बच्चे इंटरनेट पे लगातार वीडियो गेम्स खेलने के लिए ललायित रहते हैं? क्या आपके हस्बैंड फेसबुक चेक किए बिना नहीं रह सकते? या फिर आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि एक्सेसिव कंप्यूटर यूज़ जो है वो इंटरफेयर कर रहा है आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और स्टडी लाइफ के साथ? अगर इनमें से किसी का भी आंसर यस है तो आप साइबर सिंड्रोम से सफ़र कर रहे हो सकते हैं। यस, दिस इज़ एन इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, जिसे हम कंपल्सिव इंटरनेट यूज़ भी बोलते हैं और प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट यूज़ भी बोलते हैं। इसे नई टर्म में हम आई डिसऑर्डर भी बोलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीन सैनी, करियर कंसल्टेंट, लाइफ कोच, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और मेरा मिशन है टू रीच मासेस थ्रू आउट ग्लोब टू एम्पावर, एजुकेट एंड ट्रीट फॉर देयर मेंटल इलनेस। आपको पता है आजकल इस सारे आई डिसऑर्डर में या इस इंटरनेट यूज़ डिसऑर्डर में, साइबर सिंड्रोम में, एक पैटर्न सबसे ज़्यादा खतरनाक जो दिखाई दे रहा है वो है सेल्फ डायग्नोसिस ऑफ इलनेस थ्रू इंटरनेट। गूगल देवी को हमने एक एक्सपर्ट डॉक्टर मान लिया है, और ज़रा सा हमें कोई तकलीफ दिखाई देती है या फील होती है, हम इमीडिएटली डायग्नोसिस के लिए इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर देते हैं। हमारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी के जितने भी लोग हैं, फिजिशियंस हैं, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, वो सब लोग इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आजकल जो पेशेंट आते हैं वो सेल्फ डायग्नोसिस करके ही आते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, इसकी दवाई दे दो या इसका इलाज कर दो। सो व्हाई इंटरनेट कांट डायग्नोस योर मेंटल इलनेस? बिकॉज जो मेंटल इलनेस का सेल्फ डायग्नोसिस होता है वो बहुत डेंजरस हो सकता है आपकी मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ के लिए। आप मुझे बताइए, आप में से कितनों ने ये किया है कि थोड़े दिनों के लिए लगातार कंसिस्टेंट हेडिक हुआ और आपने गूगल पे परसिस्टेंट हेडिक लिखा, या फिर एक डिनर, हैवी डिनर लिया आपने पार्टी के बाद और उसमें आपको चेस्ट पेन फील हुई और आपने क्विक सर्च किया चेस्ट पेन? एंड इफ़ यू आर ए पर्टिकुलरली एंग्शियस काइंड ऑफ पर्सन, तो मे बी साइंस ऑफ हार्ट अटैक लिखेंगे आप चेस्ट पेन की जगह, क्योंकि आप खुद को ये समझा लेते हैं, खुद ही मान लेते हैं कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। मैं एज ए प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट बहुत सालों से ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि लोग मेरे पास हेल्थ एंग्जाइटी के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं। अपने कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी मैं यंगस्टर्स के साथ ज़्यादातर इंटरेक्ट करती हूँ, तो हेल्थ एंग्जाइटी इज़ द मेन कंसर्न जो आजकल सब में दिखाई देता है। ओवरसीज तक ग्लोबल लेवल पे मेरे पास जो लोग सेशंस ले रहे हैं उसमें मैक्सिमम जो है वो ओसीडी और हेल्थ एंग्जाइटी के पेशेंट्स हमारे पास रहते हैं। उन्हीं में से मुझे एक पेशेंट ने पूछा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, कि मैम अगर ये सिंड्रोम है, अगर ये डिसऑर्डर है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल क्यों है? सही में अब ऐसे तो मार्केट में सिगरेट अवेलेबल है, ड्रग्स अवेलेबल हैं, दारू अवेलेबल है, हमें पॉर्न अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो क्या हम सब कुछ वो उठा के अपने घर ले आएंगे, जो कुछ भी ख़राब सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे या बाज़ार में अवेलेबल है? ठीक इसी तरह इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस करना बुरी बात नहीं है विद पॉसिबल साइन ऑफ एन इलनेस, इट इज़ इंफॉर्मेटिव, बट ये एम्पावरिंग भी हो सकती है, लेकिन तब तक जब तक आप वो वेल रिसर्च नहीं है, या फिर आपको ये अलाउ नहीं करती टू अंडरस्टैंड योर सिम्टम्स। ये इंफॉर्मेशन के लिए ठीक हो सकती है कि आप उसके बाद थोड़ा सा ये अवेयरनेस होने के बाद, एम्पावरमेंट होने के बाद, आप एक एक्सपर्ट के पास जाएं और अर्ली इंटरवेंशन आप करवा सकें, सिर्फ ये चुकन्ना करने के लिए हो सकती है। लेकिन उसे एक्सेप्ट करके, एडमिट करके सेल्फ मेडिटेशन भी स्टार्ट कर दें तो वो बहुत खतरनाक बात है। दूसरी तरफ जो सिम्टम्स होते हैं कई बार लिस्टेड अंडर दैट इलनेस जो आप सर्च करते हो, वो कई बार आपको होते ही नहीं है, और आप पैनिक हो सकते हो, आपको एंजाइटी हो सकती है, आप सेल्फ मेडिटेशन करके अपना कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स खरीद सकते हो। और ज़्यादातर मैंने देखा है लोग दे जंप टू कंक्लूजन्स दैट चेस्ट पेन आफ्टर ए हैवी डिनर इज़ ए हार्ट अटैक, और इस केस में आप देखते हो कि कई बार फीलिंग लो इन मानसून और विंटर सीजन, आप उसे एक डिप्रेशन मान लेते हो। सो हेल्थ एंग्जाइटी एक्चुअली
कैन स्पॉइल ऑल द गेम्स ऑफ योर लाइफ. इफ़ यू आर फीलिंग एंशियस अबाउट योर हेल्थ, इट इज़ बेस्ट टू कंसल्ट ए मेडिकल एक्सपर्ट व्हेन यू स्पॉट सिम्टम्स दैट वरी यू. चिंता जायज़ है, उसको ढूंढना भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है. ये मैक्सिमम या खासकर मेंटल हेल्थ केस में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपना, अपनों का और अपने ये सिंड्रोम का, साइबर सिंड्रोम का ज़रूर ख्याल रखें. शुक्रिया.